राष्ट्रीय द्विवार्षिक भारत इस तीन तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के उद्घाटन और इसके पुरस्कार प्रदान समारोह का उद्घाटन अभी इस बार हम मना रहे हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम भारत के राष्ट्रगीत से करेंगे। रोटी बनाते उसके ऊपर लेते, ये भी तो प्रिंट है। प्रिंट हमें इंस्टेंट इफेक्ट देता है, तत्काल इफेक्ट देता है, और प्रिंट हमें बहुत संशोधन के बाद भी इफेक्ट। वो एक साधारण कला जब एक असाधारण कला के रूप लेती है तो ये प्रिंट बैनल प्रदर्शनी बनती है। और देश और दुनिया के बहुत सारे कलाकारों ने 4 साल पहले राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी ने पास एकेडमी केंद्र रविंद्र भवन में 500 से ज्यादा कलाकारों ने जो कलाकृति स्पर्धा के लिए भेजी थी, उनमें से जो 149 कलाकृति पहले जूरी द्वारा स्वीकृत की गई थी उसका ये प्रथम प्रदर्शन है। From Government Chitrakala Mahavidyalaya Nagpur, award is being group exhibitions of print in UK. Now Future Hope Charity Art, and he has participated in several art exhibitions. And Hitata ki dhoom raha hai Anubhuaka. He completed his MFA in Faculty of Fine Arts, and he has received honor in 18th Asian Bangladesh Chitrakala Academy. And also she has also awarded first national and currently working as an assistant professor at department. She is from Allahabad, UP. She is both print maker and a painter. She secured her MFA degree from Indira Kala Sangeet Vishwa. She has also completed MFA in print making from MS University. This is Prafulla Dhanukar Art Award. And like drawing, painting, print making, and the animation, whatnot. The next one from MSU Baroda and the Lalit Kala Academy Award. Congratulations. Ravindra Bharati University. He has received several awards and participated with Queen Sonja Pant Award. He currently is in Madhya Pradesh, New Delhi, etc. Academy Second Print Finale इस यहाँ की राष्ट्र गैलरी के आज इस प्रोग्राम में हमारे कला अकादमी के
महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल सन्मान्य श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उत्तम पाचार्य जी, एक स्थान का भी एक बहुत बड़ा जगह अपने मुंबई शहर के दैनिक जीवन में है। मैं अपने आप को बहुत ही प्रसन्नता महसूस करता हूँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। मुझे भी इस कार्यक्रम में अपने आप को जोड़ने का मौका मिला। उत्तम जी के साथ तो बहुत दिनों से एक नजदीक का नाता बना हुआ है। दहेश्वर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बड़ी प्रतिमा लगाया, उसमें भी वो भी उन्होंने बनाया। वीर सावरकर जी का भी जो प्रतिमा बनी है वो भी उत्तम पाचार्य जी ने बनाया। और महामहिम जी की जानकारी के लिए हम उनको बुलाएंगे इस कार्यक्रम में। 25 तारीख को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी पुतला मेरे मतदार संघ लग रहा है, वो भी इनके हाथों से हुआ है। मैं मानता हूँ कि इस कलाकार का हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर सम्मान करने की आवश्यकता है। मैं पर आप सभी को अपने आप सभी के राजकीय अपने सामाजिक कला जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। और मुझे आज अभी वो भी कला और उसमें भी ललित कला, माने ललित कला का अर्थ ये कि इतना ललित का अर्थ है कि इतना मधुर और एक प्रकार से इसको देखने के बाद ललित कला में ललित का शाब्दिक अर्थ की ललित कली जो बोला जाता है कि वो कहीं न कहीं मन को सुनकर तुरंत आकृष्ट करके और उस कला से कहीं न कहीं थोड़ा सा आदमी थोड़ा ऊपर उठे, तो वो ललित कला कला तो नहीं कर सकते। जैसे सभी किसी श्रृंगार रस होता है, करुणा रस होता है, विभत्स रस भी होता है, ऐसे ही कला का भी जो है अलग अलग स्वरूप। तो जब ललित कला बोला जाता है इसका सीधा अर्थ यह है कि कहीं न कहीं आप उस कला के माध्यम से जो प्रकट करना चाहते हैं उस प्रकटीकरण में कुछ, जैसे हमारा ये अमृत महोत्सव है आजादी का, तो कहीं न कहीं आप उस कला के माध्यम से मनुष्य को अमृतत्व को ले जा रहे हैं। तो ये ललित कला का मैं छोटा मोटा होता हूँ, उसे कला जानता है तो ललित कला है ना, पर दैट इज नॉट ललित कला। उसमें ये जो ललित कला है अपने आप में एक प्रकार से एक आध्यात्मिक दिशा को ले जाने वाली और मनुष्य को जंगली से पशु से मनुष्यता की ओर, मनुष्यता से देवत्व की ओर ले जाने वाली, इसी को हम ललित कला बोलते हैं। और आप सब लोग उसके वो धन्य कलाकार हैं और आप सब लोगों ने श्रेष्ठ संस्थाएं की है, कलाकृतियां की हैं। अभी मैं देख रहा था नगरी में तो बहुत चीजें ऐसी थी कि जो मन को आनंद देती है और कुछ चीजें ऐसी होती है कि कला को मैं कभी ऐसा सोचता, संगीत को थोड़ा समझ के लेता हूँ, इसके बाद मुझे संगीत वाले कार्यक्रम में जाना है सर मुझको, तो थोड़ा संगीत को मुझे तो समझ में आ जाता है कला देखता हूँ तो कैसे आप जीवन को उसको रातत्व ले आते हैं, अपनी कृपा कैसे कैसे ले आते हैं, तो ये भी प्रभु की देन होती है। उस प्रभु की देन को हम जितना जितना विकसित करते हैं, सपोज हमारे गोपाल जी राजनीति में, अब राजनीति में आए तो वो भी कला है, अब उस कला में आजकल ठगने भी कला है और राजनीति से सेवा करके उच्च पद तक पहुंचना ये भी कला है। तो कला का कौन सा लेते हैं कि सेवा के माध्यम से कला करना है या थक के इधर से उधर से जो कर सके ये खर्चा करके ये करके जाति माथा की बात चला के कैसे भी करो तो राजनीति में आ जाओ तो Even he was led to the exhibition hall and he also saw the exhibits that shows his interest in art and culture. Thank you, sir, for coming to Hyderabad. I thank Gopal Chetty ji. He also, I do not know how many sculptures our chairman Dr. Uttam Pachari made. He gave us a list and account of the sculptures that he has made and also a sculpture that is yet to be inaugurated. Thank you, sir, for those details to us. I thank Sri Krishna Shetty ji, the sprint we have been organizing in Trinal, India, Praivarshiki Bharat, an international event where artists from international countries participate.
But the sprint binal was something new. It was started by the administrator, Sri Krishna Shetty, in the first sprint binal. I thank Krishna Shetty for having started this, for initiating this. And I also thank Krishna Shetty for organized the second print binal for us in Jahangir Art Gallery. That is a viewership here in Bombay. Thank you, Bombay. The light comes, the layman comes to the Jahangir Art Gallery. They have been seeing these works for a long time now, and they are even by us. Okay, this side, sir. Okay. So,